हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाफ रेंज फोरियर सीरीज एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट व्हाट आर कोसाइन एंड साइन फोरियर सीरीज। ओके, सो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि इवन है और डिफाइंड है इंटरवल माइनस एल टू प्लस एल। ओके, एफ एक्स इज इवन एंड इंटरवल इज माइनस एल टू एल। ओके, सो अगर फंक्शन इवन है और इंटरवल है माइनस एल टू एल, सो हम क्या करेंगे, इस इंटरवल का हाफ करेंगे जीरो टू एल और उसको बोलेंगे हाफ रेंज इंटरवल, और उस हाफ रेंज इंटरवल की फोरियर सीरीज डिटरमाइन करेंगे जिसको हम बोलेंगे कोसाइन फोरियर सीरीज। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट रिड्यूसेस टू कोसाइन फोरियर सीरीज इन हाफ रेंज इंटरवल जीरो टू एल, और उस कोसाइन फोरियर सीरीज को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला होगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन फ्रॉम एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एर। ओके, और ए नॉट और ए एन को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला आपके सामने है, टू बाई एल और इंटीग्रल ऑफ जीरो टू एल एफ एक्स डी एक्स एंड ए एन इज इक्वल टू टू बाई एल इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एल ऑफ एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ओके, सो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जो कि इवन है और उसका इंटरवल है माइनस एल टू एल, सो पहला क्या हम क्या करेंगे, हम उसको हाफ इंटरवल में तोड़ेंगे। ओके, जो कि होगा जीरो टू एल, और उसके लिए फोरियर सीरीज कोसाइन फोरियर सीरीज डिटरमाइन करेंगे जिसका फॉर्मूला है ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल। ओके, और उसको सीरीज को एक्सपेंड कर देंगे। सो ये हो गया हमारा कोसाइन फोरियर सीरीज निकालने का फॉर्मूला। अब अगर फंक्शन ऑड है और इंटरवल वही है माइनस एल टू एल, सो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम हाफ इंटरवल हाफ रेंज इंटरवल जीरो टू एल में पहले डिवाइड करेंगे। ओके, फिर इस इंटरवल के लिए हम साइन फोरियर सीरीज डिटरमाइन करेंगे और साइन फोरियर सीरीज निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे है एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा फॉर एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और बी एन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, जैसे हमने ए एन डिटरमाइन करा था, बस कॉस एन पाई एक्स एल की जगह हमारा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा। ओके, सो इस तरह हम बी एन डिटरमाइन करेंगे, यहां पे वैल्यू रखेंगे और सीरीज को समेशन की सीरीज को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे टू और थ्री टाइम और वही होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, सो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन कोसाइन फोरियर सीरीज व्हेन फंक्शन इज इवन एंड डिफाइंड इन इंटरवल माइनस एल टू एल, एंड इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन साइन फोरियर सीरीज when function is odd and interval is minus L to L. Okay friends, so let's do one question so that you can get more clarity how to solve this type of question. Okay, so friends, question is find half range Fourier series of x cos x. Okay, so jab hum iska f of minus x determine karenge, so wo aayega minus x cos minus x, lekin cos minus x cos x ही होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 11th क्लास में। ओके, सो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। ओके, सो मतलब एफ एक्स नेगेटिव आ रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स का, मतलब ये एक ऑड फंक्शन है, और हाफ रेंज फोरियर सीरीज ऑफ ऑड फंक्शन हम निकालते हैं साइन सीरीज से। ओके, सो फोरियर साइन सीरीज का फॉर्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी bn sin n pi x divided by n. okay, so bn निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, so bn निकालने का फॉर्मूला होता है 2 upon l integral from 0 to l b fx fx sin n pi x upon l. अब देखिए इंटरवल है माइनस पाई टू पाई, हमको हाफ रेंज फोरियर सीरीज डिटरमाइन करनी है, तो हाफ रेंज इंटरवल होगा जीरो टू पाई। ओके, इसको जब जीरो टू एल कंपेयर करेंगे सो एल की वैल्यू आएगी हमारी पाई, सो जे एल पाई से कैंसल हो जाएगा, सो ये आएगा हमारा ट्वाइस ऑफ पाई जीरो टू पाई, एल की जगह पाई एफ एक्स क्या है एक्स
cos x sin nx dx. ओके, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, sin a cos b इज इक्वल टू sin ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टू. ओके, सो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे. सो जब ये टू इससे मल्टीप्लाई होगा सो ये आएगा हमारा साइन एन प्लस वन एक्स और आएगा प्लस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स. सो ये आएगा हमारा वन अपॉन पाई फ्रॉम इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स प्लस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स. ओके, और ये मल्टीप्लाई होगा हमारा एक्स से डी एक्स. ओके, क्योंकि ये एक्स हमने यहां पे अटैच कर दिया. अब जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे सो इसकी वैल्यू आएगी, बी एन की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह होगी, वन अपॉन पाई तो बाहर रहेगा और ये होगा एक्स, ये होगा माइनस कॉस एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन और ये होगा माइनस ऑफ कॉस एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन. ओके, और उसके बाद फिर दूसरा पार्ट आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, वो होगा माइनस ऑफ माइनस साइन एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ साइन एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन का होल स्क्वायर. ओके, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं जीरो टू पाई. ओके, सो पाई में ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी बिकॉज साइन एन पाई टू एन पाई ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो. ओके, और जीरो पे भी ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो. ओके, सो पाई पे जब ये टर्म आएगी हमारी, ये टर्म आएगी वन अपॉन पाई, ये आएगी हमारी माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन. ओके, सो हम लिखेंगे पाई ऑफ माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. ओके, बिकॉज कॉस एन पाई की वैल्यू होती है हमारी माइनस वन टू द पावर एन और कॉस एन प्लस वन पाई की वैल्यू होगी माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन. ओके फ्रेंड्स, और उसी तरह इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन. ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे और माइनस ऑफ माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन, ये आएगा हमारा माइनस वन टू द पावर एन. वो कैसे, क्योंकि हमारा माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन आएगा माइनस वन टू द पावर एन ऑफ माइनस और माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन भी हमारा आएगा माइनस ऑफ माइनस वन टू द पावर एन. ओके, सो ये दोनों जब इससे मल्टीप्लाई होंगे सो वैल्यू आएगी हमारी माइनस ऑफ वन टू द पावर एन अपॉन एन प्लस वन प्लस माइनस ऑफ वन टू द पावर एन अपॉन एन प्लस एन माइनस वन. ओके, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन टू द पावर एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन. ओके, सो हमको बी एन की वैल्यू मिल गई. अब हम बी एन की वैल्यू इसमें पुट करके सीरीज को एक्सपेंड कर देते हैं, वही होगी हमारी फोरियर सीरीज. बट हमको क्या दिख रहा है, जब एन की वैल्यू वन होगी सो बी एन अनडिफाइंड हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर हो जाएगा जीरो और डिनोमिनेटर जीरो हो गया सो ये पूरी टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी. सो हमको बी वन सेपरेटली डिटरमाइन करना पड़ेगा. सो बी वन हम कैसे सेपरेटली डिटरमाइन करेंगे वो देखते हैं फ्रेंड्स. ओके, बी वन को निकालेंगे हम इस तरह, टू अपॉन पाई इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई एक्स
cos x sin x। बस हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, n हमको b1 निकालना है, मतलब n is equal to 1 पे, सो हम n की जगह sin nx में 1 लिख देंगे, सो ये टर्म हो जाएगी हमारी sin x। ओके, सो जब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकालेंगे और लिमिट रखेंगे 0 टू पाई, सो हमारी वैल्यू आएगी -1/2। में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप डायरेक्टली इसी मेथड से सॉल्व कर देना, जैसे मैंने अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से bn जनरल वैल्यू डिटरमाइन करी थी। सो b1 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब हम क्या करेंगे, हमको b1 की वैल्यू निकल गई, bn की जनरल टर्म मिल गई, अब हम सीरीज एक्सपेंड कर देंगे। सो सीरीज क्या थी हमारी, fx इज इक्वल टू, अब हम b1 sin x अलग से लिखेंगे क्योंकि n इक्वल टू 1 पे bn अनडिफाइंड है, और फिर हमारा समेशन कहां से कहां जाएगा, n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी। ओके, n इक्वल टू 1 से नहीं, क्योंकि n इक्वल टू 1 पे तो अनडिफाइंड है, सो ये हो जाएगा bn sin n x, बिकॉज़ पाई l से हो जाएगा कैंसिल, n पाई x अपॉन l होता है, सो पाई हो जाएगा l से कैंसिल। सो अब हम जब इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे, सो आएगा हमारा, इसका आएगा हमारा -1/2 sin x। ओके, और इसको जब हम लिखेंगे, सो आएगा हमारा ट्वाइस ऑफ n समेशन ट्वाइस ऑफ n -1/n अपॉन n स्क्वायर -1 sin nx। ओके, सो जब इसको एक्सपेंड करेंगे, सो आएगी हमारी वैल्यू -1/2 sin x, जब वैल्यू n की जगह हम 2 पुट करेंगे, सो आएगा हमारा 4 अपॉन 3 sin ट्वाइस ऑफ x। ओके, n की जगह हम 2 पुट करेंगे, सो ये आएगा 4/3 sin 2x, और n की जगह जब हम 3 पुट करेंगे, सो आएगा हमारा माइनस ऑफ 6 अपॉन 8 sin 3x, और जब हम n की जगह हम रखेंगे 4, सो आएगी हमारी वैल्यू 8 अपॉन 15 sin 4x एंड सो ऑन। सो ये आएगी हमारी कंप्लीट फोरियर सीरीज, हाफ रिंग फोरियर सीरीज। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज आवर कंप्लीट आंसर। लाइक माय वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।